हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एस पाठशाला। माई सेल्फ पूजा, और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का ही 13th चैप्टर, दैट इज व्हाई डू वी फॉल इल का कंटिन्यूएशन टॉपिक। सो प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन, अब हम इसको प्रिवेंट कैसे करें, ठीक है। अगर हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ चैलेंजेस हैं। अगर मान लीजिए किसी को डिजीज हो ही गई है, उसके बाद हम उसको रोके कैसे, ये दिस इज वेरी चैलेंजिंग। पहला हो सकता है कि जिसको डिजीज हुई है, डिजीज्ड पर्सन, वो इतना बीमार है कि वो दैट दिस पर्सन इज नेवर गोइंग टू रिकवर, नेवर रिकवर्स। नेक्स्ट हो सकता है कि ये जो है इट मे टेक टाइम, लेकिन विद टाइम जो है ये ठीक हो जाए। और तीसरा हो सकता है कि इट मे एक्ट एज, ये जो डिजीज्ड पर्सन है ना, दे मे एक्ट एज अ कैरियर। जैसे हम बोलते हैं कि ये एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं और ये नेक्स्ट पर्सन को डिजीज पास ऑन कर सकते हैं। तो अगर हमें डिजीज को प्रिवेंट करना है तो ये सब हमारे चैलेंजेस हैं बेसिकली डिजीज पर्सन के साथ। तो जो हमारा प्रिवेंशन का जो हमारा स्ट्रैटेजी होता है, उसमें ये हो सकता है कि हम डिजीज को पूरी तरीके से रोकने की कोशिश करें। जैसे अगर वाटर बॉर्न डिजीज है, तो अगर क्लियर पानी मिल रहा है तो वाटर बॉर्न डिजीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर एयर बॉर्न डिजीज है तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, हम उसमें ध्यान रख सकते हैं कि बहुत ज्यादा ओवरक्राउडेड स्पेस में हम ना जाएं। तो इस तरीके से हम इसका भी प्रिवेंशन कर सकते हैं। कुछ डिजीज जैसे कि जो पैथोजेंस के थ्रू होते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर प्रोटोजोन्स के थ्रू हो रहा है जैसे, तो उसके लिए वेक्टर लगते हैं। तो हम वहां पे क्या करते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा कि बहुत लोगों के घरों में, जैसे बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है बरसात के मौसम में, क्या बोलते हैं, पानी इकट्ठा ना करें, क्योंकि उसमें क्या होता है, एडीज जो मच्छर होता है, वो जो मच्छर है, जो मॉस्क्यूटोज होते हैं, वो ठहरे हुए पानी में डिवाइड करते हैं, वो ग्रो वहीं करते हैं। तो उस वक्त अगर हम वहाँ पे क्लीनलीनेस का ध्यान रखें तो हम मॉस्क्यूटोज को ही हम ना स्प्रेड होने दें, तो वो मॉस्क्यूटोज जब कम होंगे, डेंगू फीवर हो गया, उसके अलावा मलेरिया हो गया, काला आजार हो गया, इस तरह की जो भी डिजीजेज होती हैं जो मॉस्क्यूटो वेक्टर के फॉर्म में काम करते हैं यहां से वहां स्प्रेड करने के लिए, तो हम उनको भी रोक सकते हैं समहाउ। उसके अलावा हो सकता है इसके प्रिवेंशन में कि जैसे हम बात कर रहे हैं इम्यून सेल्स की, तो इम्यून सिस्टम जो है हमारा अगर स्ट्रॉन्गर रहेगा तो वो डिजीजेस कम होंगी। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्गर करने के लिए हम अच्छा खाना खा सकते हैं, प्रॉपर सैनिटेशन मेंटेन कर सकते हैं, अच्छी हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, हम डिस्पोजल ऑफ वेस्ट जो होता है उन सब चीजों का ध्यान रख सकते हैं, हम एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज हो। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे टर्मरिक हो गया, क्योंकि उसमें करक्यूमिन होता है, तो हम जिंजर खा सकते हैं, टर्मरिक खा सकते हैं, गार्लिक ले सकते हैं। तो ये सब चीजें जो होती हैं, दीज आर कॉल्ड एज द प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस बेसिकली, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योंकि क्योर में क्या होता है, क्योर में एक तो पहली चीज यही कि वो हो सकता है वो कभी रिकवर ही ना करें, दूसरा हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगे, इतना ज़्यादा लंबा टाइम लगे कि उसका काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम खराब हो जाए उस चक्कर में, तीसरा हो सकता है कि वो कैरियर बन जाए। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। एक और चीज़ होती है कि हम जब भी हमारे किसी भी कंट्री का अगर हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा हमारे कंट्री का पैसा हेल्थ के ही उस पर लगेगा, हम अगर ज़्यादा बीमार पड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हमारा कहाँ जा रहा है, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हमारे हेल्थ के सिस्टम पे खर्च हो रहा है ना, तो वहाँ जो जब खर्च होता है तो आपकी जो कंट्री की बाकी की इकॉनमी है वो भी ड्रॉप डाउन होती है। तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट योर सेल्फ रादर देन क्योरिंग योर सेल्फ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिजीजेज। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू से कि प्लीज स्टे एट योर होम, प्लीज बी सेफ, क्योंकि हमारे लिए इतना आसान नहीं है, हम लोग इतने ज्यादा नंबर में हैं कि ये प्रिवेंट करना बहुत मुश्किल है अनटिल अनलेस हम सब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। सो होपफुली आप लोग इस चीज को समझेंगे और सच में घर में रहेंगे ताकि डिजीज जो है वो स्प्रेड आउट ना हो। बीइंग किड, आप अपने घर वालों को भी ये सब चीजें समझा सकते हैं ताकि लोग इसका ध्यान रखें और हम सब इस गहरी सिचुएशन से बाहर आ जाएं जल्द से जल्द। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर रहा होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज ड्रॉप देम इन द कॉमेंट बॉक्स एंड फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर हैंडल विद द सेम नेम, दैट इज एस पाठशाला। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड स्टे सेफ, stay at home. Bye-bye.